हम जो भी कार्स यूज़ करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ कहती है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी अजीबोगरीब कार्स के बारे में जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो अजीब कार्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस कार की खासियत कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने कार के कलर से बोर हो चुके हो और आपको अगर आपके कार का कलर चेंज करना है तो सिर्फ चुटकी बजाकर आप अपने इस कार का कलर चेंज कर सकते हो। यह टेक्नोलॉजी को थर्मोक्रोमिक पेंट के नाम से जाना जाता है। यह पेंट अपना कलर चेंज करता है जब भी वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज होता है। यह कलर मटेरियल का एक एक्टिवेशन टेम्परेचर होता है। हीट के कारण जब यह एक्टिवेशन टेम्परेचर पे पहुंचता है तो यह अपना कलर चेंज करता है और जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो फिर ये अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाता है। इसके अलावा और दो टेक्नोलॉजीज है जिनका नाम है हाइड्रो पेंट एंड पैरामैग्नेटिक पेंट। हाइड्रो पेंट जो है वो मॉइस्चर पे अपना कलर चेंज करता है और पैरामैग्नेटिक पेंट अपना कलर इलेक्ट्रिसिटी पे चेंज करता है। दुबई फेमस है उनके कार के कस्टमाइजेशन के लिए। ये जो कार आप इस वीडियो में देख रहे हो वो दिखने में तो एक स्टैंडर्ड कार की तरह ही है, पर जैसे ही आप इसका फ्रंट डोर ओपन करोगे आपको इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील पीछे दिया गया है और ये कोई गलती नहीं है। एक्सीलरेशन गियर और ब्रेक भी पीछे पैसेंजर सीट पे दिए गए हैं। ओनर ने इस कार को इसलिए ऐसा मॉडिफाई किया है ताकि टूरिस्ट को फ्रंट सीट से एक अच्छा नज़ारा मिले। पुल ऑन व्हील्स, ये कार कैलिफोर्निया में एक ऑटो शो में प्रेजेंट की गई थी और वहां से ये कार एक बड़े से वर्ल्ड टूर पे चली गई। ये अजीबोगरीब कार पे कोई भी रुका कर बिलियर्ड्स खेल सकता है। ये कार की खूबी ये है कि ये अनइवन सरफेस पे भी लेवल रहती है, यानी अगर रास्ता ऊपर नीचे हो तो भी ये लेवल रहती है और इसी कारण किसी को पूल खेलने में दिक्कत नहीं होगी। आप ये कार पार्टीज के लिए अभी रेंट कर सकते हैं। BMW विद जकूजी, ब्रिटिश इंजीनियर कॉलिन फर्न्स ने ये कार इन्वेंट की है। इन्होंने ये BMW को मोबाइल जकूजी में कन्वर्ट किया है। इसे जकूजी बनाने के लिए इंजीनियर ने इस गाड़ी के क्रैक्स को बंद कर दिए और इसके वायर्स को वाटरप्रूफ फिन से रैप कर दिया और सस्पेंशन स्प्रिंग्स को भी मजबूत कर दिया ताकि वो इस कार का वेट संभाल सके जब इसमें पानी भरता है। इस इंजीनियर ने इस कार में डबल ब्लोअर्स भी अटैच किए हैं और ट्रंक में बारबेक्यू पिट इंस्टॉल किया है और पूरे गाड़ी को फेक ग्रास से कवर कर दिया है। जब ये कार कंप्लीट हुई तो वो अपने दोस्तों के साथ टेस्ट ड्राइव पे निकल गए। फोर्ड फेयरमोंट, 1978 की एक क्लासिक कार है। जी हाँ, उस समय ये एक फेमस फैमिली सेडान कार थी, पर जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो इस फोर्ड फेयरमोंट को स्नो पे चलने के लिए मॉडिफाई किया है। उसके बॉटम पर स्नो कैट टकर का एक चेसी लगा दिया गया है। ये एक कंप्लीट स्नो कार है और ये कोई भी स्नो ऑब्स्टिकल का सामना कर सकती है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी कार पसंद आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।